नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। 4 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को ज्ञापन सौंपा गया। जयप्रकाश चिकित्सालय में श्रमिकों का पीएफ जमा करने एवं समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संगठन के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से मिला। उन्होंने महोदय से निवेदन किया है कि तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर कर्मचारियों को शीघ्र वेतन दिलाने का आदेश करें। जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय जो कि आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को निजी ठेकेदार मैन पावर सप्लाई कंपनी के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं। हमारा वेतन बाहर की कंपनी प्रथम एजेंसी के माध्यम से आता है। संबंधित ठेकेदार कर्मचारियों का संपूर्ण वेतन विभाग द्वारा प्राप्त कर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन या उसमें भी कटौती कर देता है। जिला कलेक्टर जी के आदेश के अनुसार माह की 1 तारीख को भुगतान होना चाहिए, लेकिन आउटसोर्स कंपनी जानबूझकर कर्मचारियों का वेतन लटकार कर देती है, जिसके कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है। जो भी कर्मचारी इसका विरोध करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या धमकी दी जाती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। पूर्व में प्रथम एजेंसी को जयप्रकाश चिकित्सालय द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, जिसके बाद साठगांठ कर इसी कंपनी को ठेका दिया गया है। संघ के प्रांत अध्यक्ष अपने प्रेस विज्ञापन में बताया कि शीघ्र मंगू का निराकरण नहीं हुआ तो जयप्रकाश चिकित्सालय के प्रबंध के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सर, आज उपमुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आज दिनांक 4 जुलाई 2024 को जयप्रकाश चिकित्सालय में कार्यरत लगभग 90 आउटसोर्स के कर्मचारी 9 महीने से काम कर रहे हैं। उनको हर महीना 3 महीना 4 महीना लेट वेतन दी जा रही है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। इसके बाद भी विभाग द्वारा उसको ठेका दिया गया, एक तो ये नीतिगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। दूसरा, पीएफ के नाम से जो कटौती किया जा रहा है, 9 माह से वो पीएफ खाते में नहीं जमा किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा यह बोला जाता है कि जितना काम करोगे उसका वेतन उतना दूंगा। इसमें मैनेजमेंट की जवाबदारी है कि एक तो ब्लैक लिस्टेड को ठेका नहीं देना था। जब आदमी ब्लैक लिस्टेड है तो निश्चित ही शोषण करेगा और अन्याय करेगा। आज मैंने माननीय मध्य प्रदेश शासन को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से इस संबंध में बात करी है, ज्ञापन दिया है आपके माध्यम से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और इनको किसी भी प्रकार का इनके साथ अन्याय नहीं होगा। और अलग से उन्होंने चर्चा करने के लिए हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल को बुलाया भी है। जुलाई का महीना है, वेतन नहीं मिलने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इन तमाम चीजों को जयप्रकाश चिकित्सालय के सीएसएमओ एवं सिविल सर्जन महोदय को ध्यान देना चाहिए। मांगों का निराकरण नहीं होगा, आने वाले समय में उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।